हाय गाइस, स्वागत है आपका शुभम टेक वर्क्स में। और आज की वीडियो कुछ टेक वीडियो से हटके होगी, तो चलिए देखते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है उन फिटनेस फ्रीक्स के लिए जो कि प्रोटीन यूज़ करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं क्या प्रोटीन पाउडर के बॉक्स पे जो न्यूट्रिशन फैक्ट में गिवन होता है कि एक प्रोटीन स्कूप का साइज़ कितना होता है, क्या वो सही होता है। तो शुरू करते हैं। चलिए, ये मेरे पास है एक वेइंग किचन स्केल और इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। पहले हम आज यूज़ करने वाले हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का 100% गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन जो कि मेरे पास इधर है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसके न्यूट्रिशन फैक्ट में कितना दिया हुआ है एक सर्विंग साइज स्कूप का। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सर्विंग साइज है स्कूप में 31.5 ग्राम्स का, ठीक है। और सर्विंग पर कंटेनर है 72 और इसके 31.5 ग्राम्स के स्कूप में हमें ऑलमोस्ट 24 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास है ये वेइंग स्केल और ये प्रोटीन स्कूप जिसमें मैंने ये प्रोटीन डाल रखा है ऑन स्टैंडर्ड। तो देखते हैं क्या ये सही होता है। चलिए इसे ऑन कर कर देखते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी रीडिंग में 0 आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे ही इसका वेट करूँगा तो ये वेट गलत आएगा, क्योंकि इसमें ये स्कूप का वेट भी ऐड हो जाएगा, तो जो कि गलत होगा। तो इसके लिए हम इस बाउल का यूज़ करेंगे और पहले इस बाउल को इस पर रखेंगे और इसका वेट कर लेंगे। और इसका तो इस बाउल का वेट आ रहा है 172 ग्राम्स। तो अब हम टेयर दबा कर इसमें ये प्रोटीन डाल देंगे। 0 हो गया है अब, तो ये प्रोटीन हमने इसमें डाल दिया। तो ये 29 ग्राम्स आ रहा है, क्योंकि सिर्फ मैंने उतना ही प्रोटीन यूज़ करा था जितना स्कूप में आता है, पूरा ऊपर तक भरा था। तो ये इस न्यूट्रिशन फैक्ट के हिसाब से गलत है, जो कि होना चाहिए 31.5 ग्राम्स। सो इसका मतलब हमको इससे ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये उतना हो पाएगा और इसमें उतनी प्रोटीन की वैल्यू आ पाएगी जितना इस बॉक्स के न्यूट्रिशन फैक्ट्स पे गिवन है। तो अब हम ये प्रोटीन बॉक्स में वापस डालकर दोबारा से एक राउंडेड स्कूप लेंगे, फिर देखेंगे वेट करके कि ये सही आता है या नहीं। तो ये प्रोटीन मैंने डाल दिया बॉक्स में, अब एक राउंडेड स्कूप निकालूंगा इसमें से। ये मैंने ले लिया राउंडेड स्कूप प्रोटीन का। तो अब आइए इसमें डाल कर देखते हैं कि क्या ये प्रोटीन की वैल्यू सही आएगी। तो ये एकदम परफेक्ट है, ऑलमोस्ट 32 ग्राम्स आ रहा है। तो 31.5 ग्राम्स होना चाहिए, जो अप्रॉक्स 32 ग्राम्स ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें हमेशा कोई भी प्रोटीन बॉक्स के न्यूट्रिशन फैक्ट्स पे नहीं जाना चाहिए और अपना थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए और एक राउंडेड स्कूप का यूज़ करना चाहिए, तभी हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू मिल पाएगी उस प्रोटीन में से। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इससे थोड़ी मदद मिलेगी। जितने भी फिटनेस फ्रीक्स हैं उनको अपना पूरा प्रोटीन कैलकुलेट करना पड़ता है डेली का। सो ये बहुत ही हेल्प करेगा उनके लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यूज़ करा है आज की वीडियो में ये एक किचन वेइंग स्केल जो कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करा था, और ये काफ़ी चीप है और आपके किचन में बहुत काम आएगा ये अगर आप लेंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बैटरी से चलता है, तो बहुत चीप है, 280 रुपीज़ का पड़ा था मुझे ये ऑलमोस्ट। तो ऐसे ही आप किसी भी प्रोटीन के स्कूप का साइज़ चेक कर सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेकवर्क्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल शुभम टेकवर्क्स।